43A स्टार्ट किया है तो इसे पूरा कंप्लीट भी कर लेते हैं हम लोग, सेक्शन 43A, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक से 43(1) में क्या आ रहा है वो पूरा का पूरा देखा था। इसके अलावा और क्या आता है, देखिए 43A अपने आप को क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई अगर आपने किसी भी तरह का एसेट अक्वायर किया है, किसी भी तरह का एसेट अक्वायर किया है कहां से, फॉरेन कंट्री से, आपने एसेट अक्वायर करना चाहिए फॉरेन कंट्री से, इंडिया से अक्वायर कर रहे हो ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये सेक्शन नहीं लगेगा। फॉरेन से आपने एक एसेट अक्वायर किया उसके लिए लाइबिलिटी फॉरेन में है, उसके लिए लाइबिलिटी जो है वो है फॉरेन करेंसी में। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने फॉरेन से एक एसेट अक्वायर किया, एसेट कितने का अक्वायर किया, $1,00,000 का, जिस दिन अक्वायर किया उस दिन का रेट 50 था, सपोज पेमेंट 3 महीने के बाद देना था, 3 महीने के बाद दिया तो पेमेंट डेट पे, पेमेंट डेट पे जो एक्सचेंज रेट था वो 52 हो गया। एक बार 48 भी देख लेते हैं, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। यानी क्रेडिटर, यानी पहले दिन जो हमने एंट्री पास की वो हमने क्या की, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट टू क्रेडिटर, एसेट डेबिट टू क्रेडिटर 50 लाख, बराबर। पेमेंट डेट जो कि 3 महीने बाद आया, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट 50 लाख, पर जो आपने पेमेंट दिया, पेमेंट वो आपने कितना दिया, 52 के हिसाब से दिया, 52 के हिसाब से 52 लाख, तो 2 लाख रुपए को आपने कहाँ डाला, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बुक्स में, अकाउंटिंग करते समय ये P&L में गया। ये ध्यान रखिए, ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ना आपको स्टेटमेंट दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके अंदर ये P&L में दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स के हिसाब से मैं लगाऊंगा सेक्शन 43A, बराबर, समझ में आ रहा है, मैं लगाऊंगा सेक्शन 43A और मैं बोलूंगा कि दिस 2 लाख टू बी कैपिटलाइज्ड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, समझ में आया। चलिए देखिए, अगर रेट 48 होता, अगर रेट 48 होता केस टू, इफ 48, तो आप बोलते कि मैंने क्रेडिटर को डेबिट किया 50 लाख से पर मैंने उसे पेमेंट से 48 लाख की, मेरे लिए ये गेन हो गया 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए का गेन तो मैं बुक्स में दिखा रहा हूं पर इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में मैंने लगा दिया सेक्शन 43A और मैंने 2 लाख रुपए रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस कर दिए फ्रॉम एसेट, मैं एसेट की वैल्यू से सीधा सीधा रिड्यूस कर दूंगा, खत्म कहानी। बस ये एक मेन मुद्दा है जो हम लोगों को समझना जरूरी है यहाँ पे, क्लियर है यहां तक के। चलिए पॉज कीजिए, ये एग्जांपल लिख के रखिए, ये एग्जांपल लिख के रखिए। अब वो आपको क्या बोलता है, जो भी ड्यू है वो सीधा सीधा आपको एसेट की वैल्यू में एड कर देना है। ये कब कब होता है, एक तो 43(1) एसेट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, एक है साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35(1) हम लोग पढ़ने वाले हैं, 35(1)(4), जिसमें बोला गया है कि अगर आपने कोई भी एसेट साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया है, साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, तो वो अमाउंट सीधा सीधा पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर सकते हैं। यानी मैंने एक एसेट लिया, मैंने एक एसेट लिया 5 लाख का, मैंने एक एसेट लिया 5 लाख का और मैंने इसे साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर लिया, तो एज पर सेक्शन 35, एज पर सेक्शन 35 मैं ये पूरा का पूरा अमाउंट, मैं पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता हूं एज डिडक्शन क्लेम, 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट्स, फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट्स। क्यों, क्योंकि ये एसेट हम लोग साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, बराबर। थोड़ा सा लिंक करते हैं, थोड़ा सा लिंक करते हैं, हमने सेक्शन 43(1) पढ़ा, वहां पर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। इफ इन फ्यूचर, इफ इन फ्यूचर साइंटिफिक रिसर्च इज, साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस, इज यूज्ड इन बिजनेस, एक्सप्लेनेशन वन आ गया, ध्यान में आ रहा है। जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शन क्लेम किया था पूरा का पूरा डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा, यानी कि आपका एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू 43(1) के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 लाख माइनस 5 लाख, निल, निल। क्यों, क्योंकि आप पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, बराबर। ध्यान में आ रहा है कुछ, देखो
बार 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 इधर उधर आपको लेके जाता हूं, आगे पीछे, ताकि हम जो पढ़ चुके हैं वो भी रिवाइज हो जाए। जरूरी है ना कि बार 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 हम रिकॉल करें कि हाँ, हमने वहां पे भी ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, और बार बार पेज भी वही रीजन से आपको खुलवाता हूं। देखो, साइंटिफिक रिसर्च एक्सप्लेनेशन वन, एक्सप्लेनेशन वन। क्लियर है यहां तक के? चलो वापस आ जाते हैं हमारे। एग्जाम्पल पे 140, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी बात रिकॉल नहीं हुई, पॉज कर दीजिए वीडियो, रिकॉल कीजिए, पढ़िए, वापस से पीछे जाइए, वो वाला पार्ट पढ़िए। क्या होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। इग्नोर मत कीजिए, हाँ चलो ठीक है होगा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बस जहां पे आया ना कि अरे यार सर ने अभी एक्सप्लेनेशन वन बोला, अरे यार वहां पे क्या था, पॉज, मैं पेज पे लेके गया ना, पॉज, आप वो पेज पे जाइए, पढ़िए वो पेज को, पढ़िए वहां पे क्या लिखा था, उससे क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा साथ साथ में, आपकी मेहनत कम होगी। आप जो आगे पढ़ने वाले हो, आपने बोला अरे यार आगे रिवाइज कर लेंगे, वो अभी रिवाइज हो जाएगा ना, अभी हो जाएगा। अब अगली बार जैसी एक्सप्लेनेशन वन देखोगे, हाँ ठीक है साइंटिफिक रिसर्च है, चल आगे पढ़। ये जरूरी है ताकि हम लोगों को चीजें धीरे 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 दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट के लिए ये क्या बोल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट के लिए ये बोल रहा है कि सपोज आपने ये साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट इन द ईयर 1718, हमने एक एसेट लिया $1,00,000 का, $1,00,000 का फॉरेन से खरीदा, ध्यान रखो इंडिया से खरीदा हुआ तो चलेगा ही नहीं, फॉरेन से खरीदा है, और इससे रिलेटेड एक लाइबिलिटी भी है, इससे रिलेटेड एक लाइबिलिटी है यही $1,00,000 की, जिसे हम पे करेंगे 1 जून 2019 को, 1 जून 2019 को। पॉइंट समझ में आया? एक्सचेंज रेट 2 दिन चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 50, डेट ऑफ पेमेंट 53, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट ऑफ पेमेंट 2 दिन के हम लोगों को रेट्स चाहिए। अब हुआ क्या, हमने बुक्स में अकाउंट किया एसेट डेबिट टू लोन या टू क्रेडिटर, एसेट डेबिट टू क्रेडिटर कितना, 50 लाख। इनकम टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स पर्पस के लिए 50 लाख इज अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35, अभी यही तो पढ़े, ठीक है, सॉरी 35, 35 1 4, 35 1 4, ठीक है, ये आपको अलाउ हो गया एज डिडक्शन। अब क्या हुआ, अच्छा यहां लिख लेते हैं, इन फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर हम 1718, 1718 ठीक है, असेसमेंट ईयर 1819, नाउ व्हाट हैपेंड इन फाइनेंशियल ईयर 1819, फाइनेंशियल ईयर 1819, ठीक है, प्रीवियस ईयर 1819 क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 1819 में सबसे पहले तो हमने लगाया 43A, 43A पेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, फॉरेन लोन, इसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ गया 3 रुपए का, 3 रुपए का, 53 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय, 53 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय $1,00,000, 3 लाख, ये 43A के हिसाब से एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, और वो एसेट का मैं डिडक्शन ले सकता हूं, ठीक है, 3 लाख अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 1819, कौन से साल में, 1819 में, एज पर विच सेक्शन, एज पर सेक्शन 35 1 4, 35 1 4 साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, पर कौन से साल में, 1819 में, ये कॉस्ट पहले 43A ने बोला कैपिटलाइज कर दो एसेट की कॉस्ट में, दूसरा पॉइंट बोल रहा है ये साइंटिफिक रिसर्च का एसेट है, आप इसको सीधा सीधा डिप्रिशिएट कर दो। क्लियर है, समझ में आया? अगली दिक्कत थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं एमसीक्यू पॉइंट से। 17-18 में ही एसेट अपना साइंटिफिक रिसर्च के लिए था, 17-18 में किसके लिए था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए था, 18-19 में बिजनेस पर्पज के लिए लेके आ गया यूज में, 17-18 में साइंटिफिक रिसर्च यूज के लिए था, 1718 केस 2, केस 1 कंटिन्यूड,
1718 हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे और 1819 हमने इस एसेट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज में ला दिया। बिजनेस पर्पस के लिए यूज में लाई लेके आ गए। समझ गया मैंने क्या बोला आप लोगों को। अब हुआ क्या, इन द ईयर 1718 हमने डिडक्शन क्लेम किया। कितने का डिडक्शन क्लेम किया? 50 लाख रुपए का। कौन से सेक्शन में क्लेम किया? सेक्शन 35(1)(4)। कौन से सेक्शन में क्लेम किया? सेक्शन 35(1)(4) हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब इसके बाद अठारह उन्नीस हमने इस एसेट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज में लेके आ गए। बिजनेस पर्पस के लिए यूज में लेके आए तो 43(1) ट्रिगर हुआ। 43(1) ने बोला कि भैया बताओ कि इस एसेट का एक्चुअल कॉस्ट क्या ले, इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या ले। और अब हमने लगाया क्या, उसका एक्सप्लेनेशन वन। एक्सप्लेनेशन वन बोलता है इस एसेट का जो भी कॉस्ट है, इस एसेट का जो भी एक्चुअल कॉस्ट है प्लस प्लस इसमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आना है, ये कैपिटलाइज होगा, ये कैपिटलाइज होगा एज पर सेक्शन 43A। देखिए दो तीन सेक्शन एक साथ साथ चल रहे हैं, अच्छे से ध्यान से समझिए। आपने पहले क्या किया, पहले साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन क्लेम कर लिया। कितने का डिडक्शन क्लेम किया आपने? साइंटिफिक रिसर्च में 50 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब अगले साल पर्पस चेंज हो गया, पर्पस चेंज हो गया और बिजनेस पर्पस पे आ गया। तो बिजनेस पर्पस के हिसाब से इस एसेट की वैल्यू क्या रहेगी? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट पर 43A बोलता है कि इंक्रीज दैट एक्चुअल कॉस्ट। 43A आपको बोलता है कि अगर ये कोई फॉरेन से खरीदा हुआ एसेट है, फॉरेन से खरीदा हुआ एसेट है और इसके ऊपर पेमेंट बाद में हो रहा है और इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो कैपिटलाइज दैट फ्लक्चुएशन ऑल्सो। और कैपिटलाइजेशन हम कम कर रहे हैं आफ्टर ट्रांसफर ऑफ दिस एसेट टू बिजनेस यूज। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ दिस एसेट टू बिजनेस यूज, जैसे ही बिजनेस यूज में लिया, जैसे ही बिजनेस यूज में लिया उसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का पेमेंट हुआ, फॉरेन लोन का पेमेंट हुआ। फॉरेन लोन का पेमेंट हुआ तो उसका जो भी अमाउंट आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, वो कैपिटलाइजेशन पे आ गया। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? तो हमने इसको यहां कैपिटलाइज कर दिया। माइनस एक्सप्लेनेशन वन आपको क्या बोलता है? माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी क्लेम्ड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स अंडर 35(1)(4). अंडर 35(1)(4) यानी एसेट का एक्चुअल कॉस्ट हो गया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए का क्या दिख रहा है? ये 3 लाख रुपए का कैपिटल एसेट दिख रहा है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। यानी अगर 18-19 में भी इसका यूज साइंटिफिक पर्पस होता, पेमेंट ऑफ फॉरेन लाइबिलिटी तक, पेमेंट ऑफ फॉरेन लाइबिलिटी तक अगर इसका यूज साइंटिफिक रिसर्च होता तो मैं इसका भी डिडक्शन क्लेम कर लेता। पर अगर पेमेंट होने के पहले ही मेरा यूज चेंज हो जाए तो अब ये मेरे लिए कैपिटल एसेट हो गया। इसका वैल्यूएशन 43(1) के अंदर गया और 43(1) के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? ठीक है। अब आप बोलोगे सर उल्टा हुआ तो, उल्टा हुआ तो क्या करेंगे? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पीएनएल में क्रेडिट ही होगा, पीएनएल में क्रेडिट ही होगा एक्सेस एक्सपेंस क्लेम्ड के नाम पे। समझ गया? चलो, अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अंडर सेक्शन 3119, 3619, 3619 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट फॉलिंग अंडर सेक्शन 48, सेक्शन 48 कैप गेन्स, कैप गेन्स। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन, यानी बेचने गए तो कैप गेन में टैक्सेबल होगा, उस एसेट की कॉस्ट में इसको कैपिटलाइज कर दो, उस एसेट की कॉस्ट में इसको कैपिटलाइज कर दो, ऐसा उन्होंने बोला है। अमाउंट अराइव एट अबव इज एडजस्टमेंट शैल बी टेकन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एज द केस में भी, एज द केस में भी। इन सभी केसेस में हम लोगों को इसे एसेट की कॉस्ट में ऐड या डिडक्ट करना है, ऐसा सेक्शन 43A ने क्लियर किया। फिर इन्होंने आपको बोला वेर द होल और एनी पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी अफोर्सेड इज मेट नॉट बाय असेसी, यानी इसमें अब जो भी खर्चा लगा इसमें से कुछ खर्चा असेसी ने मीट नहीं किया है, इसमें से कुछ खर्चा असेसी ने मीट नहीं किया है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन, बाय एनी अदर पर्सन, यानी जो भी पेमेंट करना था वो पेमेंट असेसी ने नहीं करके किसी और बंदे ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया है, तो ऐसी लाइबिलिटीज को मत कंसिडर करो, ऐसी लाइबिलिटीज को मत कंसिडर करो। इन दिस एग्जाम्पल सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो 50 लाख का पेमेंट है, ये 50 लाख का पेमेंट किसी और ने कर दिया, किसी और ने कर दिया मतलब सरकार ने कर दिया, सपोज वेवर मिल गया, वेवर मिल गया, तो ऐसे में इसमें
कोई भी फ्लक्चुएशन एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इस एसेट में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, कोई भी फ्लक्चुएशन आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है यहां तक के? अब ये कॉन्सेप्ट आया तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं कि सर जब 50 लाख रुपए का पेमेंट ही किसी और ने किया तो क्या ये कैपिटल एसेट भी हमारे बुक्स में आएगा? अब ये यहां पढ़ रहे हैं तो ये भी कंफ्यूजन आएगा ना। पॉइंट तो एक है कि 3 लाख रुपए को हमने एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड करना चाहिए। क्यों? जब पेमेंट ही हमने नहीं किया तो उसका 3 लाख का फ्लक्चुएशन से हमें क्या लेना देना। पर जब 50 लाख का भी पेमेंट हमने नहीं किया तो फिर वो एसेट हमारे बुक्स में दिखना चाहिए क्या? हम वापस सेक्शन 43(1) पे चले गए, वापस सेक्शन 43(1) पे चले गए। चलो वापस से पीछे जाना पड़ेगा। 43(1) के अंदर में एक बात, यही सेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाले वर्ड्स वहां भी लिखे गए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा कोई भी खर्चा अगर कोई और करता है, असेसी एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। तो सपोज कीजिए आपने यहां पे 50 लाख रुपए का लोन लिया, आपने क्या किया, 50 लाख रुपए का लोन लिया, फिर उसके बाद में आप नहीं चला पा रहे हैं फॉर सम रीजन बिजनेस, या आपको बिजनेस चलाते समय कोई दिक्कत होगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी ऐसा सीन हो गया कि भाई अब नहीं चला पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, अब ये अमाउंट या तो वेव हो गया या सरकार ने बोला हम भर देते हैं, कुछ भी हो आपको नहीं भरना पड़ा, आपको नहीं भरना पड़ा। पहली बात, क्या इसका फ्लक्चुएशन आपके ऊपर जाएगा? नहीं ऐड होगा। 43A ने आपको बोल दिया नहीं भैया, जो पैसे तुमने नहीं भरे उसके ऊपर कोई फ्लक्चुएशन भी तुमको ऐड नहीं करने देंगे। 43(1), क्या ये एसेट भी आपके बुक्स में दिखना चाहिए? अरे नहीं, किसी और ने पेमेंट दे दिया, ऐसे कैसे दिखाएं, ऐसे कैसे नहीं, नहीं दिखाने देंगे, नहीं दिखाने देंगे, हटाओ उस एसेट को अपने बुक्स में। सर अगर ये दो ट्रांजैक्शन दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में हुए, मतलब पहले हमने एसेट दिखाया उस पर डेप्रिसिएशन ले लिया, हमने एसेट दिखाया एसेट पे डेप्रिसिएशन ले लिया, अगले फाइनेंशियल ईयर में हमने ये एसेट का पेमेंट ही किसी और ने किया, इस एसेट का पेमेंट ही किसी और ने किया, सर अब क्या करेंगे? रिड्यूस कीजिए एनी अमाउंट दैट इज पेड बाय अदर पर्सन। 50 लाख का एसेट लिया, सपोज 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 50 लाख का एसेट लिया, 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 45 लाख का एसेट दिख रहा है, बराबर है, किसी और ने ये 50 लाख रुपए पे कर दिए, पॉइंट समझिए, 50 लाख रुपए सपोज वेवर मिल गया, वेवर पेमेंट करना ही नहीं है, पेमेंट करना ही नहीं है, तो पहले तो 45 लाख रिवर्स करो, और अब जो 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो वो भी रिवर्स करो, वो भी रिवर्स करो। मतलब क्या, क्या पिछला फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट रिवाइज करूं? क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट रिवाइज होगा? नहीं, करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 5 लाख भी इनकम दिखेगी, क्योंकि रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन करंट फाइनेंशियल ईयर में होगा। दैट इज व्हाट इट मींस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी, अमाउंट सीधा सीधा रिड्यूस करो एक्चुअल कॉस्ट से, और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? चलो वापस से वहां पे चलते हैं। तो मैंने जो भी बोला, एक एग्जाम्पल खुद अपने मन से बना के लिख लेना कि भाई एक एसेट था, उस एसेट के ऊपर हमने 43(1) में कैपिटलाइज किया, लोन लिया था, वो लोन का जो रीपेमेंट है वो किसी और ने किया, तो उस लोन के ऊपर कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, उस लोन के ऊपर कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, या फिर उस लोन के ऊपर का पेमेंट कोई और कर दे, तो वो एसेट हमारी बुक से हटा दिया जाएगा, द एसेट विल बी रिमूव्ड, एंड एनी एक्सपेंडिचर क्लेम, एनी डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन द सेम शैल बी रिवर्स्ड इन करंट प्रीवियस ईयर, इन द करंट प्रीवियस ईयर। क्लियर है यहां तक के? चलो अब देखिए पॉइंट नंबर 3 समझिए। वेयर एन असेसी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑथोराइज्ड डीलर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ फेमा फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद द स्पेसिफाइड सम ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन और आफ्टर द स्टिप्युलेटेड फ्यूचर डेट, ऑन और आफ्टर द स्टिप्युलेटेड फ्यूचर डेट। यहां हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, यहां हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। मेट होल्ली और एनी पार्ट ऑफ लाइबिलिटी अफोरसेड इफ एनी फॉर एडजस्टमेंट अंडर दिस सेक्शन इज टू बी कंप्यूटेड विथ रेफरेंस टू रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड देयर इन। क्या हो रहा है, मैंने एक एसेट खरीदा कितने का, $5 लाख का। इसके अगेंस्ट मेरी लाइबिलिटी भी है $5 लाख की। इस दिन एक्सचेंज रेट था 50 का, क्या एक्सचेंज रेट था 50 का। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 52 में मैं डॉलर बाय करूंगा, 52 रुपीज पर डॉलर पे मैं डॉलर बाय करूंगा,
कब, लेट से 3 months लेटर, लेट से 3 months लेटर. सो दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब हुआ क्या, जिस दिन एसेट लिया उस दिन तो 50 के रेट पे रिकॉर्ड किया, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एसेट 50 लाख, क्रेडिटर्स 50 लाख, बराबर. डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट. अब डेट ऑफ पेमेंट के दिन सपोज कीजिए स्पॉट रेट ऑन डेट ऑफ पेमेंट, स्पॉट रेट ऑन डेट ऑफ पेमेंट इज 51. स्पॉट रेट क्या है, 51 या 53 ले लो, दोनों ही देख लेंगे, 53 51 दोनों ही समझ लेते हैं क्या फर्क पड़ता है. 53 51 वीडियो पॉज कीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए. डेट ऑफ पेमेंट पे दो चीजें हुई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहली बात उस बंदे के साथ नहीं हुआ है जिसके साथ आप, जिससे आपने ये एसेट खरीदा. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे के साथ नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, जिससे आपने एसेट खरीदा, ये ट्रांजैक्शन आपका बैंक के साथ हुआ है. तो उस बंदे को तो अपने को 53 के रेट से पेमेंट देना है, ठीक है. पेड 53 लाख, पेड 53 लाख. अब बैंक के साथ क्या होगा, बैंक को आप बोलोगे भैया बैंक अपनी बात हुई है कि तुम मुझे 52 के रेट से डॉलर दोगे, तुम मुझे 52 के रेट से डॉलर दोगे. अब डॉलर का कोई भी रेट हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे 52 के रेट से डॉलर दो. अब एक बात ध्यान रखिए, आरबीआई कभी ये नहीं बोलता, आरबीआई से परमिशन लेते समय वो कभी ये नहीं बोलता यू कैन कीप डॉलर्स और यू कैन बाय डॉलर्स और यू कैन सेल डॉलर्स. आप ऐसा नहीं कर सकते. आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए पर ये पैसे का लेन देन आपको परमिटेड नहीं है. आप पॉइंट समझ रहे हैं. तो होता क्या है, बैंकिंग रूट किस तरह से चलता है, बैंकिंग रूट को जिस तरह से चलता है कि बैंक बोलती है देखो देखो आज का रेट क्या है 53, थोड़ा सा एसएफएम का कॉन्सेप्ट है, आज का रेट क्या है 53, आज का रेट क्या है 53, भाई हमारी बात किस रेट पे हुई है 52, हमारी बात किस रेट पे हुई है 52. बैंक बोलेगी भैया हम तुझे 53 के रेट पे डॉलर दे देते हैं, तू मार्केट में सामने वाले को पेमेंट कर दे 53 के रेट पे डॉलर खरीद और दे दे, 53 के रेट पे डॉलर खरीद और दे दे, 53 लाख रुपए मेरे जेब से चले गए, 53 लाख रुपीज गॉन फ्रॉम माई पॉकेट. अरे जाना कितना था, जाना था 52 रुपीज के हिसाब से 1,52,00,000. अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, इसीलिए किया कि जेब से 52 ही जाना था. अब बैंक आपको बोलेगी कि देखो तुम पेमेंट कर दो, तुम्हारा नुकसान कितना हुआ बताओ, नुकसान कितना हुआ 53 और 52 का डिफरेंस 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए हम तुमको दे देंगे, 1,00,000 रुपए हम तुमको दे देंगे, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 53 और 52 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय, अरे यार अपना 5 लाख का एसेट है ना, मैं 50 लाख दिखा दिया ना आपको, यार यहां मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, एग्जाम्पल को चेंज करके $1,00,000 कर दो, $1,00,000 कर दो. आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं वापस एक बार थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, $1,00,000 का कर दो तो इनटू 1,00,000 कर देंगे. अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई यार थोड़ी सी, 1,00,000. तो ये जो 1,00,000 रुपए ये अपने को रिसीव हो गए बैंक से, ये अपने को क्या हो गया, रिसीव हो गया बैंक से. इनकम टैक्स के अंदर में दिक्कत आ गई, ये आपकी इनकम है क्या, ये आपकी इनकम है क्या. तो यही यहाँ पे क्लैरिफाई किया 43 में, उन्होंने बोला अगर आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एंटर करते हो विद एनी ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज डीलर यानी बैंक, ऑथोराइज डीलर यानी बैंक, as defined under FEMA rules, as defined under FEMA rules, at specified sum of foreign currency on or after the future date, यानी यहाँ पे हमने rate fix किया, कितना 52 का rate हमने fix किया, on or after the specified date in the contract, तो वो क्या बोलता है कि specified contract to enable him to meet any whole or part of the liability, अगर इसमें part forward contract होता और part open रहता तो फिर से वो part को consider करते, एडजस्टमेंट अंडर दिस सेक्शन इज टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफाइड रेट. यानी वो आपको क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो 52 के रेट से तो हम तो यही मानेंगे कि 52 और 50 का फ्लक्चुएशन है, आप तो बस यही मानो कि 52 और 50 के रेट के फ्लक्चुएशन के ऊपर हम लोगों को अकाउंटिंग करना है, यानी कि 52 और 50 के बीच में जो भी डिफरेंस है हम सिर्फ उतना ही कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे. पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब वो ये बोल रहा है कि आप सिर्फ 2,00,000 रुपए कैपिटलाइज कर सकते हो. अब अच्छे से समझो क्या हुआ, एसेट कितने का दिख रहा है 50 लाख का, इनकम टैक्स में ओरिजिनली एसेट कितने का दिख रहा है 50 लाख, हम आपको कितना कैपिटलाइज करने दे रहे हैं और 2,00,000 रुपए, और 2,00,000 रुपए 52, इसको ये अकाउंटिंग से लिंक करो. आपने पैसे दिए 53, 1,00,000 रुपए वापस मिल गए, नेट कितना हुआ 52. वो बोल रहे हैं कि आप एसेट 52 का दिखा सकते हो, जितना पैसा दिए उतने पे एसेट दिखा दो, जितना पैसा दिए उतने एसेट दिखा दो. यानी दो तरह से पढ़ो, या तो फॉरवर्ड रेट और आज के स्पॉट रेट का डिफरेंस कैपिटलाइज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पढ़ो, आपको जैसे पढ़ना है. मैंने आपको दो लॉजिक, प्रैक्टिकली क्या होता है उसके अंदर जो इनकम आती है क्या होता है, पीएनएल में ये इनकम दिख सकती है ना हमारी, पीएनएल के अंदर में इनकम दिख सकती है. वो बोल रहा है कि नहीं एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करो, एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करो.
52 लाख रुपीस पे एसेट दिखेगा। तो एसेट वैल्यू कितनी होगी? एसेट वैल्यू 50 प्लस आपने 3 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट किया माइनस 1 लाख जो हम लोगों को फॉरवर्ड से वापस मिल गए, 52 लाख रुपीस का पेमेंट दिखेगा। या फिर प्रेजेंटेशन का दूसरा फॉर्मेट दे देता हूं, 52 जिस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनटू 1 लाख डॉलर्स, 52 लाख एसेट हमारा 52 लाख पे दिखेगा। पॉज कीजिए वीडियो प्लीज, एग्जांपल लिख के रखिए, समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है ये एग्जांपल हमारे लिए। चलिए तो ये मुझे आपको समझाना था फॉरवर्ड के ट्रांजैक्शंस। अब हम आते हैं 43AA, इसी से लिंक्ड है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 43A, यानी 43A में आप जो भी बात कर रहे हो उसको छोड़ दो। 43A में हमने किसको कवर किया? 43(1) का एसेट, सेक्शन 48 का लॉन्ग टर्म कैप गेन वाला एसेट, ठीक है, जिसके अंदर वो लैंड वैंड आ गया आपका, नॉन मॉनिटरी एसेट्स आ गए एक तरह से आपके, जिसमें इंडेक्सेशन वगैरह लेने की बात हो रही है, जिसमें इंडेक्सेशन लेने की बात हो रही है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट, फैमिली प्लानिंग वगैरह जाने दीजिए, ये मेन तीन एसेट्स आप पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये तीन एसेट्स के अलावा कोई भी, मतलब क्या, फॉरेन से एसेट नहीं खरीद के इंडिया से एसेट खरीदा, फॉरेन से एसेट नहीं खरीदा, एसेट कहां से खरीदा? इंडिया से खरीदा। अभी इंडिया से खरीदे हुए एसेट की बात कीजिए, या फिर कोई करंट एसेट जो फॉरेन लोन से लिया है, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, लाइबिलिटी है, या तो इंडिया का एसेट है या इंडिया का करंट एसेट है, या फॉरेन ऑपरेशन है, अरे फॉरेन में अपनी ब्रांच हो सकती है, सब्सिडियरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जाएंगे यहाँ पे। ट्रीटेड एज इनकम और लॉस इन द अबव केस शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड ICDS। कौन सा ICDS है इसका? ICDS 6। ICDS 6 के हिसाब से इसमें किसी भी तरह की इनकम या लॉस कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट शैल बी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, सबके सब। ध्यान रखिए यहां पे हम लोग अदर देन 43A एसेट्स की बात कर रहे हैं, अदर देन 43A एसेट्स, 43A को छोड़ के हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजो ऑफ 43, यानी 43A को छोड़ के बात कीजिए, ठीक है। ICDS 6 सिर्फ 43A को छोड़ के लगेगा। ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन स्टेटमेंट्स इन फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी, पर फॉरेन वाले छोड़ दीजिए, और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, इन सभी केसेस में लगेगा ICDS 6। हमको पढ़ना है ICDS 6, तो मैं आपको ICDS 6 पे लेके जा रहा हूँ। ICDS 6 इज नथिंग बट AS 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा मैं मान रहा हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी या CA इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अब तो ICDS 6 भी आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। अभी क्या बोलता है ICDS, क्या बोलता है, यहां मैं लिख देता हूं सेम एज AS 11। फॉरेन करेंसीज ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस विद नेचर टू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम मतलब दोज आइटम विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब के सब मॉनेटरी आइटम्स। क्या नॉन मॉनेटरी नहीं है? हर वो चीज जो मॉनेटरी है, मॉनेटरी को छोड़ के सब नॉन मॉनेटरी होते हैं। फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ये सब नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो बोलता है कोई भी मॉनेटरी आइटम कन्वर्जन ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपने सेटल किया हो चाहे नहीं किया हो। अभी 43A में क्या पढ़ा, पेमेंट किया तो 43A के एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स जो फॉरेन में ड्यू है, फॉरेन में पैसा देना बाकी है, फॉरेन में पड़े हुए एसेट्स है, जैसे कि लोन्स एंड एडवांसेस है या जो भी कुछ है, ठीक है, हर तरह का वो मॉनेटरी एसेट जो फॉरेन करेंसी में है, हर तरह का वो मॉनेटरी एसेट या लाइबिलिटी, मॉनेटरी आइटम्स, एसेट या लाइबिलिटी जो कि फॉरेन करेंसी में है, उसे लास्ट डेट पे कन्वर्ट कीजिए, वेदर सेटल्ड और नॉट, एंड द डिफरेंस इज टू बी रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस इन द प्रीवियस ईयर, एग्जाम्पल फॉरेन सेल्स $5 लाख, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट है 50, डेट ऑफ पेमेंट रेट है 52, ठीक है। मुझे आपको डेट देनी पड़ेगी, ऐसे तो आपको नहीं समझेगा ये,
1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 रेट है 50, 1 जून 2020 रेट है 52, और 31 मार्च 2020 ईयर एंड रेट है 51 या रेट है 53, रेट है 53। तो ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है, 43AA along with ICDS 6, along with ICDS 6 आपको ये बोल रहा है कि आपका जो डेटर है वो दिख रहा है 50 × 5, 250 लाख, 250 लाख, ईयर एंड 31 मार्च, ईयर एंड 31 मार्च, 53 का रेट है माइनस 50, 53 का रेट है, ओरिजिनल रेट वाज 50 इंटू 3, 15 लाख्स, 15 लाख इज योर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, 15 लाख इज योर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, गेन है, गेन है ना, 53 के हिसाब से पैसा मिलेगा, देखो ना, देखो सारा क्या रेट से पैसा मिलेगा, 53 के हिसाब से पैसा मिलेगा। सो दिस इज ट्रीटेड एज इनकम, दिस इज ट्रीटेड एज इनकम। वीडियो पॉज कीजिए, लिख के रखिए। नाउ व्हाट हैपेंस इन द ईयर 2021, व्हाट हैपेंस इन द ईयर 2021, जब आपका सेटलमेंट होगा, 52 के हिसाब से पेमेंट मिला, 52 के हिसाब से पेमेंट मिला, आप 53 तक का फ्लक्चुएशन बुक कर चुके हो, ध्यान रखो आप 53 तक का फ्लक्चुएशन बुक कर चुके हो, इनटू 5 लाख्स, 5 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। दोनों ही कहां पे आ रहे हैं, 43AA, और 43AA बोल रहा है आईसीडीएस 6 के रूल्स लगा दो, समझ गए यहां तक के, लिख के रखो, लिख के रखो। एग्जाम्पल टू, वॉट इफ इट वॉज क्रेडिटर्स, वॉट इफ इट वॉज क्रेडिटर, तो ऐसे में 31 मार्च 20 यानी प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920 53 के हिसाब से मैं मेरी लायबिलिटी बुक करता, 15 लाख का एक्सपेंस, 15 लाख का एक्सपेंस बुक करता, पॉइंट समझा क्या, ठीक है। और प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021 इंटू 5 लाख मैं 5 लाख का गेन बुक करता। अब मैंने रिटर्न कब फाइल किया ये सब मैटर नहीं करता, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आईसीडीएस अपने रूल्स बता रहा है, यानी कि 5-15 लाख का एक्सपेंस भी मिल जाता और अगले फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख के गेन के ऊपर भी टैक्स लग जाता। क्लियर है, लिख के रखिए, लिख के रखिए। एग्जाम्पल थ्री, इफ इन एग्जाम्पल टू अबव परचेस वॉज ऑफ फॉरेन एसेट, फॉरेन से एसेट खरीदते, फॉरेन से एसेट खरीदते, अब क्या होता, अब ये होता कि सेक्शन 43A एप्लीकेबल हो जाता, सेक्शन 43A एप्लीकेबल हो जाता, मतलब क्या, 1920 प्रीवियस ईयर में, 1920 प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एसेट कितने का दिखता, 50 लाख, क्रेडिटर कितने का दिखता, 50 लाख, फॉर इनकम टैक्स पर्पस, फॉर इनकम टैक्स पर्पस, मैं बुक्स में तो बता ही नहीं रहा, बुक्स में क्या होता, बुक्स में, इन बुक्स ये एक्चुअली 250 लाख है, 250 लाख इन बुक्स, मेरा जो क्रेडिटर है, मेरा जो क्रेडिटर है वो दिख रहा होता 265 लाख, 265 लाख, कैसे आया, 50 लाख और ये 15 लाख का एक्सपेंस, 50 लाख और ये 15 लाख का एक्सपेंस, समझिए 5 लाख इंटू 53 का रेट, 5 लाख इंटू 53 का रेट 265 लाख, और मैंने एक्सपेंस दिखाया होता 15 लाख का, मैंने एक्सपेंस दिखाया होता 15 लाख में, बुक्स में तो यही किया ना, दिस एक्सपेंस इज डिसअलाउड, डिसअलाउड, क्यों डिसअलाउ हुआ, क्योंकि 43A लग गया, ये फॉरेन एसेट है, फॉरेन एसेट में जब पेमेंट करते हो, पेमेंट करते हो तो डिफरेंस कैपिटलाइज होता है, जो डिफरेंस है वो कैपिटलाइज हो जाता है, तो दिस इज डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स, दिस इज डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स। प्रीवियस ईयर 2020, 2021, 52 माइनस 50 इंटू 5 लाख,
₹10 लाख। कैपिटलाइज टू एसेट, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाता। आप वर्क देख रहे हैं, क्यों दिया ये एग्जांपल, 43A से आप कंपेयर कर सको, समझाने के लिए। ये डिफरेंस आप समझिए, कैसे हम 43A से 43AA अलग चल रहा है, ठीक है, समझ में आया। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम फिक्स एसेट जो फॉरेन में पड़े हैं, फॉरेन ऑपरेशंस में हो सकता है, खुद के ऑपरेशंस का, तो इंडिया के ऑपरेशन में फॉरेन में एसेट क्या पड़ा होगा। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन कन्वर्जन देयर ऑफ ऑन द लास्ट डे शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, समझिए। फॉरेन ऑपरेशंस, एक एसेट पड़ा है वहां $1 लाख का, एक फिक्स एसेट पड़ा है वहां पे $1 लाख का, एक डेटर पड़ा है वहां पे $2 लाख का, $2 लाख। क्लियर है यहां तक के? ये जिस दिन लिया था उस दिन का रेट 40 था, और ये जिस दिन लिया था उस दिन का रेट 50 था। 31 मार्च 2020 को एक्सचेंज रेट चल रहा है 52, एक्सचेंज रेट चल रहा है 52। डेटर के केस में मॉनेटरी है, डेटर के केस में मॉनेटरी है। 52 और 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, 4 लाख का गेन, 4 लाख का गेन टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। और जो नॉन मॉनेटरी है, जो नॉन मॉनेटरी है उस पे निल गेन निकलेगा, निल गेन लिखेगा। मे बी इन बुक्स आपने 52 के रेट से अकाउंट किया हो, मे बी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं, अगर याद आ गया तो ठीक, नहीं याद आया तो दिमाग मत लगाइए, जो भी बोल रहा हूं इग्नोर। फॉरेन ऑपरेशंस नॉन इंटीग्रल, फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल के लिए जो रेट होता है सब कुछ क्लोजिंग रेट होता है। फॉरेन ऑपरेशंस नॉन इंटीग्रल जो रेट होते हैं सब कुछ क्लोजिंग रेट होते हैं। जो लोग इंडेस पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, पहले बोल रहा हूँ, ज्यादा प्रेशर मत लेना दिमाग में। टीटी पढ़ रहे हैं, जो ग्रुप वन साथ में पढ़ रहे हैं उनको रिकॉल करना चाहिए इसको, उन्होंने रिकॉल करना चाहिए। आप सब कुछ क्लोजिंग रेट पे लेके आ जाते हो, सब कुछ क्लोजिंग रेट के ऊपर। तो आपने 50 को भी 42 के रेट पे लेके आ गए, आपने वो 40 के रेट को भी 52 के रेट पे लेके आ गए। तो मे बी इन बुक्स 52 माइनस 40 इंटू 1 लाख, 52 माइनस 40 इंटू 1 लाख, 12 लाख, 12 लाख इज रिकॉर्डेड एज गेन। मे बी इन बुक्स 12 लाख इज रिकॉर्डेड एज गेन, नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। क्यों? नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी के लिए बोल रहा है। अगर कोई भी प्रकार का गेन आपने कन्वर्जन किया है प्रीवियस ईयर में, इट इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करो ही मत, दिखाओ ही मत बिल्कुल भी। क्लियर कट आपको समझा रहा है वो, मत करो कोई अकाउंटिंग, समझ गए। लास्ट डे ऑफ ईच प्रीवियस ईयर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स टू बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग डेट बाय अप्लाइंग क्लोजिंग रेट, बाय अप्लाइंग क्लोजिंग रेट, ये कर दिया हमने। नॉन मॉनेटरी आइटम शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग डेट एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, समझा दिया। नॉन मॉनेटरी आइटम्स बीइंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी विच इज कैरीड एट एनआरवी, विच इज कैरीड एट एनआरवी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी शैल बी यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द वैल्यू वाज डिटरमाइंड, वैल्यू वाज डिटरमाइंड। चलो एग्जाम्पल, फॉरेन में पड़ी है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कॉस्ट है $10,000, एनआरवी है $12,000, एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन था ₹50 और अपन ने पेमेंट वेमेंट सब कर दिया, ऐसा मान लो, ठीक है। 31 मार्च 2020 ये जो इन्वेंटरी पड़ी है तब एक्सचेंज रेट चल रहा है 52, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है 52, समझ गए। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लगाया, और मैंने इन्वेंटरी को वैल्यू कर दिया $10,000 पे। कन्वर्ट करके मत देखो, कन्वर्ट करके कॉस्ट ऑफ एनआरवी मत निकालो, ऐसे ही निकालो, पॉइंट समझ गए, $10,000। अब $10,000 को मैं वैल्यूएशन किस पे करूं, बीइंग नॉन मॉनेटरी,
बींग नॉन मॉनिटरी इट इज टू बी कन्वर्टेड एट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. 50 × 10,000, 50 × 10,000, 5 लाख. समझ गए? समझे कि नहीं समझे? लिख के रखो, लिख के रखो, एग्जाम्पल लिखो. बोलो कि सर क्या बात कर रहे हो, लिख लिया ना पिछले एग्जाम्पल में, क्यों वापस लिखना है? अरे अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मैं केस चेंज करूंगा. केस कंटिन्यूइंग अबव इफ एनआरवी वॉज, इफ एनआरवी वॉज $8,000, $8,000. अब मैंने वैल्यूएशन देयरफॉर वैल्यूड एट $8,000. अब लगा ये रूल, इन्वेंट्री विच इज कैरीड एट एनआरवी, कैरीड एट एनआरवी. अब वो क्या बोल रहा है, आप वो एक्सचेंज रेट निकालो व्हेन दिस एग्जिस्टेड सच वाज डिटरमाइंड. जिस दिन आपने एनआरवी ढूंढा, जिस दिन आपने एनआरवी ढूंढा, और मोस्टली आप एनआरवी 31 मार्च को ही निकालोगे. 31 मार्च को जो एनआरवी एग्जिस्ट कर रही है वही निकालोगे. तो उस दिन का रेट मैंने आपको क्या दिया, 52. देयरफॉर वैल्यूड एट, देयरफॉर वैल्यूड एट 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 52. समझ में आ रहा है क्या? 4,16,000, 4,16,000. लिख के रखिए. इससे कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आया क्या? ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बोल रहा है. पीएनएल बनाते समय, पीएनएल बनाते समय आप क्लोजिंग स्टॉक इतने का लिखोगे, उसका पीएनएल भी तो कन्वर्ट करोगे. उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो टैक्सेबल. ICDS provisions for initial recognition, conversion on last day of the previous year and recognition of exchange difference, these provisions shall be subject to proviso of 43A. In short, वो आपको बोल रहा है proviso 43A मत लगाओ. Rule 115 जो हम लोग international tax में पढ़ेंगे, international taxation में पढ़ेंगे, इसलिए उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे अभी. Point समझे क्या? ठीक है. This is what this ICDS is all about. I hope यहां तक के पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा. सो विद दिस वी एंड दिस सेक्शन 43AA एंड 43A. चलिए.